लिखे। मित्रों, आज हम आपको डीजी परिपत्र संख्या 6/2018 के संबंध में जानकारी देंगे। यह परिपत्र गुणवत्तापूर्ण विवेचना को सुनिश्चित करने हेतु अभियोजन अधिकारियों से अभिमत प्राप्त किए जाने के संबंध में। प्रायः यह देखा जाता है कि विवेचकों द्वारा विधि परामर्श प्राप्त किए बिना विवेचना का आरोप पत्र एवं अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता रहा है, जिससे विवेचना के मध्य हुई त्रुटियों का निवारण नहीं हो पाता और महत्वपूर्ण साक्ष्य के अभाव में आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाती है, जिसका लाभ विचारण के दौरान अभियुक्तों को प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दोषी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाना संभव नहीं हो पाता। इन कमियों को दूर करने के लिए शासनादेश भी जारी हुई है, जिनके अनुसार अभियोजन विभाग के विभिन्न स्तर से अधिकारी, पुलिस विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों के विधिक सलाहकार भी हैं और उन्हें फौजदारी की कार्रवाई के किसी प्रक्रम में विवेचना में आवश्यक विधिक बिंदुओं का परामर्श देंगे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या 169/2014 में पारित आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया है कि प्रत्येक विवेचना पूर्ण होने के उपरांत आरोप पत्र एवं अंतिम रिपोर्ट प्रेषित करने से पूर्व विवेचक द्वारा अभियोग दैनिकी को क्षेत्राधिकारी के माध्यम से अभियोजन अधिकारियों को प्रेषित करेगा, जहां पर अभियोजन अधिकारी द्वारा केस डायरी को अवलोकनोपरांत विवेचना के मध्य संकलित साक्ष्य आदि की समीक्षा करके और यदि उसमें कोई कमी या विसंगति पाई जाती है तो उसको इंगित करते हैं, उसे उसकी पूर्ति हेतु विवेचक के पास वापस कर दिया जाएगा। यह कार्रवाई विवेचक द्वारा केस डायरी के मध्य उल्लेखित नहीं की जाएगी और इसका उद्धरण भी केस डायरी में उल्लेखित नहीं किया जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि जो विवेचना में कमी रह जाती है या जो तथ्य छूट जाते हैं उनका संकलन हो जाता है और विवेचना पूर्ण साक्ष्यों के साथ माननीय न्यायालय को प्रेषित होती है और अभियोगों में दोषियों को सजा दिलाने में सहायता मिलती है।